जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं टेक वर्सेटाइल आई शो। इस चैनल पे आपको टेक से रिलेटेड नॉलेज की वीडियोस और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और आप जिस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए उनका टॉपिक, मैं कोशिश करूँगा उस तरह की वीडियोज बनाने की। और आज की इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप आसुस ROG Zephyrus G14 का एक पूरे साल का रिव्यू और एक्सपीरियंस लेके आया हूँ कि मुझे इसकी क्या क्या बातें अच्छी लगी, क्या क्या बातें बेकार लगी और इसके प्रोज और कॉन्स जो मैंने एक साल में पूरे फेस करे हैं वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। अब पहली बात जो मुझे सबसे इसकी अच्छी लगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी लगी कि मतलब एकदम सॉलिड फील होता है, एकदम ऐसा नहीं कि खोखला फील हो। और दूसरी इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ये तो गेमिंग लैपटॉप है ही, तो गेमिंग में तो ये बेस्ट है ही। और तीसरी इसके साथ मुझे 120Hz की जो डिस्प्ले मिलती है वो मुझे सबसे अच्छी लगी। और चौथी जो इसके साथ जो मुझे मिलती है वो है इसका हिंज सपोर्ट, जो जिससे इसकी पूरी बैक है वो एकदम अपलिफ्ट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने इसे पूरा ओपन करा तो यहाँ से इसकी जो बैक है ये ऊपर हो गई, जिससे पूरा एयर फ्लो है वो एकदम अच्छे से चले, जिससे जो लैपटॉप अगर हीटअप हो जाता है तो उसे कूल डाउन करने के लिए अच्छा सा मतलब एयर फ्लो हो। और पांचवी मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसकी, क्योंकि इसके साथ ये राइजन 7 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर मिलता है जो i9 9th जनरेशन प्रोसेसर के बराबर का है, जिसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स आते हैं। और इसकी मुझे एक और बात अच्छी लगी कि जो इसके जो कीबोर्ड है वो टाइपिंग में एकदम अच्छा खासा फील देता है, ऐसा नहीं मतलब बहुत अच्छा भी नहीं मतलब, पर ये है अबव एवरेज। और मुझे इसकी एक और बात ये अच्छी लगी कि जो इसके अंदर जो एरो कीज़ हैं वो सारी एरो कीज़ बराबर साइज़ की है, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे बहुत सारे लैपटॉप में होता है ना, जैसे ऊपर और नीचे की जो कीज़ होती है वो छोटी छोटी कर देते हैं और साइड साइड की बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो सारी कीज़ हैं इसकी सब बराबर की है। और इसकी मुझे एक और अच्छी बात ये लगी कि इसके अंदर जो एयर फ्लो है वो एकदम अच्छा खासा एयर फ्लो है, मतलब इसके राइट साइड से भी एयर फ्लो है, लेफ्ट साइड से भी, पीछे से भी एयर फ्लो करने के लिए देखा, नीचे से भी देखा, तो टोटल मतलब मिला के 5-6 जगह से एयर फ्लो हो जाता है, जिससे हमारा जो लैपटॉप की जो बॉडी है जो इसे वो बहुत जल्दी से कूल डाउन कर दे अगर इसका GPU वर्क करता है तो। और इसका एक बात मुझे अच्छी लगी जो इसका ट्रैक पैड है वो भी अच्छा खासा है, मतलब मेरे लिए ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये ट्रैक पैड इसका छोटा है, जैसे मैकबुक के बराबर का भी नहीं है लेकिन थोड़ा छोटा है पर अबव एवरेज है, ना कि एकदम मतलब बिलो है। कि इसके अंदर जो साउंड एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे अगर हम उसे सर्दियों में सुनते हैं, सर्दियों में तो हमारे फ़ैन और कुछ चलता नहीं है तो मतलब अच्छी खासी लाउड वॉइस है। गर्मियों में अगर आपके घर में अगर AC लग रहा है तो AC में भी आपका एकदम डिसेंट से आवाज़ निकालेगा इसका जो साउंड है। और जो गर्मियों में अगर आप पंखा चलाते हैं कूलर चलाते हैं तो आपको थोड़ी सी आवाज़ लो लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर 4 दे रखे हैं स्पीकर, 2 ऊपर 2 नीचे। और इसकी मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि इसके अंदर दोनों तरफ से टाइप सी की पोर्ट दे रखे हैं, जैसे आप जिस तरफ चार्जिंग की तरह यूज़ भी कर सकते हैं या फिर कोई डाटा ट्रांसफर करना है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप बाई चांस इसका लैपटॉप की जो ब्रेक है वो लेके जाना भूल गए तो अगर आपके फ़ोन में टाइप सी का सपोर्टेड है तो आप उससे चार्ज कर सकते हैं, उतना फास्ट चार्ज नहीं होगा लेकिन एवरेज चार्ज होगा, लेकिन आपका काम चल जाएगा। और इसकी मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि जो सब लोग बोलते रहते हैं ना कि इसका जो फिंगरप्रिंट है वो एकदम वीक है, मतलब बहुत बार रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट मैंने जस्ट टच करके तुरंत हल्के ऊपर करा लेकिन तब भी एकदम बहुत जल्दी फास्ट ओपन हो गया। और इसकी एक और बात मुझे ये अच्छी लगी कि इसके अंदर की जो बैकलेट है वो अच्छी खासी है, जैसे सब लोग ज़्यादातर बोलते रहते हैं ना इसकी ROG Zephyrus G14 लैपटॉप की बैकलेट वो एकदम लो है, अंधेरे में तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है जो दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाई चांस किसी एक आध मॉडल के साथ हो सकता है लेकिन मेरे मॉडल के साथ ऐसा नहीं है, मेरे में तो एकदम अच्छी खासी बैकलेट है, जिसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने इसे एकदम फुल ब्राइटनेस में मतलब फुल एकदम ब्राइटनेस कंडीशन में भी इसे देखा है तो भी अच्छी खासी, एकदम डार्क कंडीशन में भी इसे देखा है वो भी एकदम डिसेंट नहीं बहुत अच्छी एवरेज बहुत अच्छी से कर रखी है इसने। इसका मुझे एक ये लास्ट प्रो जो प्रो है अब कौन भी हो चुका है, जैसे इसकी जो मेन है जो इसकी बैटरी है वो 9.5 घंटे तक मैंने इसे यूज़ करा है विदाउट एनी चार्जर, एकदम मैंने एक बार इसे पूरा फुल चार्ज करने के बाद इसे मैंने जब वापस यूज़ करा तो टोटल 9.5 घंटे तक ये चल चुका था, लेकिन जब वो विंडो 10 थी, लेकिन अब थोड़ी सी बैटरी इसकी लो हो गई क्योंकि विंडो 11 में जैसे अपडेट करा है, तो इसकी बैटरी जैसे पहले 9.5 घंटे चलती थी लेकिन अब वही बैटरी आपकी नॉर्मली 7 घंटे मैक्सिमम चल पाती है। बस मुझे ये था जो उसका पहले प्रो था वो इसका थोड़ा कौन लग सकता है। और इसकी मुझे लास्ट सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके अंदर जो रैम अपग्रेडेबल है वो 32GB तक हम अपग्रेड कर सकते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और जो सबका हम सब जिसे जानते हैं एक तरह से वो है इसका 1 finger open, अगर आप कोई लैपटॉप को 1 finger से ओपन करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है वो, तो उसमें वो फीचर है कि अगर हम इसे जैसे एक बार बंद करके एकदम जैसे हमने इसे पूरा बंद कर दिया और बंद करने के बाद हमने पूरा 1 मिनट से खोल दिया आराम से। अब बात करते हैं इसकी कौन सी, इसका जो मुझे
इसका जो मुझे पहला कॉल लगा कि वो है, जैसे अगर आप इसे कॉलेज पर्पज के लिए ले रहे हैं, फिर मीटिंग के लिए ले रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आपको वैक्यूम नहीं दिखता है कि मुझे किसका सबसे बड़ा कॉल लगता है। जो दूसरा कॉल मुझे लगता है कि इसके अंदर जो लैन का सपोर्ट नहीं है, मतलब अगर आपके घर में राउटर किसी कारण काम नहीं करता तो आप इसे लैन केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लैन पोर्ट नहीं है। जो तीसरा इसका मुझे सबसे लगा कि इसकी मेटल बॉडी होने के चक्कर में ये हीट बहुत करता है लैपटॉप। अगर आप जैसे गर्मी में एकदम, मतलब अगर आपके मतलब ना एसी चल रहा ना कुछ चल रहा, कूलर वूलर चल रहा, तो ये बहुत हीटअप हो जाएगा। इसके लिए आपको एक मतलब टेबल या फिर कूलिंग पैड लेना पड़ेगा। और यही वाला इसका एकदम सर्दियों में अगर आप देखा जाए, सर्दियों में यही चीज़ आप मतलब पूरी बॉडी से एकदम बहुत ठंडी हो जाती है। जैसे अगर आपका जब इसका जीपीयू वर्क नहीं करता तो एकदम बिल्कुल ठंडी हो जाती है। जैसे जीपीयू वर्क में आ जाता है तो वापस से इसकी थोड़ी थोड़ी बॉडी गर्म होने लग जाती है। तो एक मुझे इसका एक यून लगता है कि इसकी पूरी बॉडी बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है क्योंकि मेटल की है पूरी। और इसका एक और मुझे एक और मतलब लगता है कि अगर हम इसे अगर हम आउटडोर कंडीशन में यूज़ करें, वैसे मैं तो ज़्यादातर इंडोर में यूज़ करता हूँ, अगर आप आउटडोर में यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो थोड़ी आपको लो लगेगी। अगर आप एकदम ब्राइट सनलाइट में करते हैं तो आपको बिल्कुल ही लो लगेगी। और एक और इसका मुझे कौन ये लगता है कि इसके अंदर जो एलईडी इंडिकेटर है वो अंदर दे रखे, अगर हम लैपटॉप को बंद कर देते हैं तो हमें वो इंडिकेटर शो नहीं होगा। जैसे अगर हम बाई चांस अगर हमने इसे चार्जिंग में लगा रखा है तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि लैपटॉप फुल चार्ज हो गया नहीं हो गया, उसके लिए हमें लैपटॉप को पूरा ओपन करना पड़ेगा, तब जाके हमें दिख पाएंगे इसके एलईडी इंडिकेटर। और इसकी एकदम लास्ट जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी वो उसकी ये है कि इसके अंदर जो फैन वॉइस है वो बहुत होती है। अगर आपका जीपीयू वर्क करता है, अगर आपने इसे परफॉर्मेंस मोड में लेके आ गए आप इसे, जैसे आपने कोई गेमिंग करके तो अच्छी खासी बात करके, अगर आपने इसे टर्बो में कर दिया, मतलब अगर आपने अगर इसे टर्बो में कर दिया तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप पूछोगे। बस यही मुझे चीज़ है इसकी। इसके मैंने आपको पूरे एक साल का एक्सपीरियंस भी बताया, मैंने आपको इसके प्रो बताए, कौन बताए जो मैंने एक साल में फेस करे। और लास्ट ये थी कि मैंने इसे क्यों लिया। मैंने इसे इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ना चाहिए, मतलब ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं ना कि या तो गेमिंग लैपटॉप होता है तो एकदम हैवी होता है, वो 2.5-3 किलो का होता है, और अगर आपको गेम नहीं चाहिए तो एकदम बिजनेस लैपटॉप चाहिए वो एकदम सस्ता होता है जिसमें आप गेमिंग नहीं कर पाओगे। तो मुझे बीचा चाहिए था, ना ज़्यादा हैवी हो पर गेमिंग बहुत अच्छी खासी कर दे, और जो गेमिंग लैपटॉप होता है उनकी बैटरी लाइफ भी कम होती है। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जो गेमिंग लैपटॉप भी हो उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी हो और वो हल्का भी हो। और एक तरह से इसलिए मैंने इसे चूज़ करा कि एक तरह से ये बहुत स्लिम भी है, इसे आप बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप कॉलेज पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑलराउंडर मान लीजिए एक तरह से इसे, कि आप इसे हर तरह की यूज़ करते हैं। ये स्लिम भी है, बैटरी भी ज़्यादा देता है, मेटल की बॉडी भी है, इसके अंदर गेमिंग भी अच्छी खासी हो जाती है और हल्का भी है, 1.6 kg वेट है इसका, तो ऑल ओवर है, इसलिए मैंने इसे चूज़ करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्वर्सेटा लाइव शो। और ऐसी ही यूनिक यूनिक मैं रिव्यू, अनबॉक्सिंग और टेक्स रिलेटेड नॉलेज लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही।